हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपने पाइप इन वाले बटन लिए हुए हैं। ये पाइप इन वाले बटन दोस्तों हमने मशीन द्वारा बनाए हैं। अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो बहुत जल्द हम आपको ये बनाने सिखा देंगे। साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी एक रेडीमेड पाइप इन भी ली हुई है। दोस्तों, ये रेडीमेड पाइप इन भी आपको काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और इसको हम लगाने का तरीका आपको बताएंगे, बहुत ही आसान है। और इसको लगाने के बाद आपकी कुर्ती की जो फिनिशिंग है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और साथ ही हमने यहाँ पर अपनी एक बुकरम ली है, जिसमें यहाँ पर हमने अपना जॉइंट लगा लिया है, जो कि हमारी बुकरम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसमें हम अपना नेक काटेंगे। तो दोस्तों, नेक काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी इस बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद में आपको अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। तो हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करके हम 3.5 पर मार्क लगा लेंगे। ये निशान दोस्तों हमें दोनों तरफ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करके घुमाएंगे और घुमाने के बाद निशान दोनों तरफ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर में भी चाक से निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से खोल लेंगे। और खोलने के बाद दोस्तों, इस निशान को हम 14 इंच लंबा सीधा निशान खींच देंगे। ये हमने निशान सीधा खींच दिया है। और इसके बाद दोस्तों, हमारे नेक की जो लंबाई है वो रहेगी तैयार 7 इंच, तो इसके लिए हम यहाँ पर सीधा सीधा निशान अपना 7 इंच पर लगा देंगे। और इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके बराबर से आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बीच में इस तरीके से सीधी लकीर और खींचनी है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये लकीर खींचनी है। और इसके बाद दोस्तों, इस लकीर को आपको यहीं से इस तरीके से हल्का हल्का गोलाई में देते हुए इस निशान से टच करना है। देखिए ऐसे, ये हमने अपने इस निशान से टच कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों, बाहर की तरफ आप अपने हिसाब से बुकरम चौड़ी या पतली ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से बुकरम को निशान लगाकर कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो नेक है वो कुछ इस प्रकार से कट गया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को चिपका लिया है। और चिपकाने के बाद में थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ हमने साइड से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने नेक को कुर्ती में बनाएंगे। तो बनाने के लिए दोस्तों, हम अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से रखेंगे। देखिए, खोल लिया है और खोलने के बाद में सीधा हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखा है। और हम अपने नेक को इस तरीके से कट मिलाकर रखेंगे और पहले बीच सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.roofashionpoint.com। और अब इसके बाद दोस्तों, हम इसके अंदर का कपड़ा जो है थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों, बारी आती है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, हल्के हल्के दोनों साइड पर कट लगाने हैं, जिससे कि आपका जो कोना है बहुत ठीक से निकल आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों साइड पर कट लगा दिया है। और इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस नेक को अंदर की तरफ इस तरीके से टर्न कर देंगे। और टर्न करने के बाद में दोस्तों, फिनिशिंग के साथ हम इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक पर प्रेस लगा ली है और इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और इसके बाद दोस्तों, हम अपनी ये मल्टी कलर की पाइपिंग को इस तरीके से नेक में फिट करेंगे। फिट करते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे और पूरी पाइपिंग को यहाँ तक अटैच करेंगे। और उसके बाद इस हिस्से पर हम दूसरी पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने लास्ट नेक के कोने तक पाइपिंग को लगा लिया है। और इसके बाद हम अपनी दूसरी पाइपिंग का हिस्सा लेंगे, जिसको इस तरीके से यहाँ पर फिट करेंगे। देखिए,
तो देखिए दोस्तों, फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर अपने नेक में पाइपिंग लगा ली है, और आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आएगी इतने बीच में नेक में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने नेक को इस तरीके से उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद में जो आपके पाइपिंग का कपड़ा है इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिसकी वजह से आपकी पाइपिंग ठीक तरीके से गोलाई में बैठ जाएगी, और इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक है वो यहाँ पर इस तरीके से अभी बैठ चुका है, और प्रेस लगाने के बाद में और भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने नेक पर प्रेस लगा ली है, और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक के नीचे इसे जॉइंट करने के लिए इस तरह की एक पट्टी लेंगे, और इसको हमने दोस्तों पलट कर बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस पट्टी को इस तरीके से नीचे रखेंगे और अपने नेक के बीच में सेट करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया, और सेट करने के बाद में दोनों साइड से सिलाई मारकर इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पाइपिंग वाले बटन भी लगा दिए हैं, जिनकी वजह से हमारे नेक की जो खूबसूरती है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको नेक डिज़ाइन हमारा आज का कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे और आपके चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com।